दर्शकों का स्वागत है देखते आज की खास खबर। मंत्रालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है और दावा करती है कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है। आखिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा और सबसे बड़े आतंकी हमले मोदी सरकार में ही हुए हैं? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सैन्य व्यवस्था को मजबूती देने का काम कांग्रेस सरकार ने ही किया और इसी का नतीजा था कि पिछले 70 सालों में देश ने कई युद्ध लड़े और जीते भी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर सरकार एयर स्ट्राइक का सच देश के सामने क्यों नहीं रखती। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले देश में मोदी सरकार के दौरान ही हुए हैं। सही मायनों में कांग्रेस ने ही पिछले 70 सालों में सेना को मजबूत किया है। एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि 15 मई के बाद मैं तो मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बदल जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बीजेपी के दावे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 15 मई को हम एक बार फिर यही बैठेंगे और मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पिछले 15 सालों के दौरान जिन अधिकारियों ने बीजेपी का बिल्ला लगाकर काम किया है, ऐसे अधिकारियों के तबादले जरूर होंगे। उन्होंने कहा कि जब भी लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो इस तरह से तबादले होना आम बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब तबादले रुक जाएंगे, जिन लोगों की शिकायतें मिलेगी उनके तबादले जरूर होंगे। एयर मार्शल ने आए, एयरफोर्स के एयर मार्शल ने कह दिया हम नहीं जानते, हम तो जानते हमने टारगेट को स्ट्राइक किया है, वो टारगेट क्या था क्या नहीं था उनको हमें उससे कोई मतलब नहीं। और ये बात उनकी सही भी है, उनको तो GPS कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, यहाँ जाके आपको अटैक करना है। वो कोऑर्डिनेट्स किस चीज के हैं, क्या हैं, कितने मरे, उनका उससे कोई मतलब नहीं। और उन्होंने वही बात कह दी, जब ये शक शंका का विषय बन गया है देश में और जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज हैं पूरा ये सब व्हाट्सएप में चल रहा है, अगर इस प्रकार की शक शंका है तो मैं सोचता हूँ सरकार को, जिन्होंने इतनी बात करी इसके बारे में, देश के सामने सब कुछ रख देना चाहिए। इसमें कोई गुप्त तो है नहीं बात, किससे गुप्त है, पाकिस्तान से तो गुप्त है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये हुआ ही है हमला, ये अटैक हुआ ही है पाकिस्तान में, तो उनसे तो गुप्त है नहीं, तो किससे हम गुप्त रख रहे हैं। तो आज इसका खुलासा कर दें कि ये थी, यहाँ हमने किया था, ये इमारतें थी, ये कैंप था, इतने लोग मरे, इस खुलासा करने में क्या परेशानी है, मैं नहीं समझता। देखिए 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, 15 मई बाद मैं आपके साथ फिर से बैठूंगा, तारीख आप चुन लीजिएगा, और जब मैं बैठूंगा आप सबके साथ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।